हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एंजाइम्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सो एंड एंडो एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंजाइम्स को आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, ये एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसे पढ़ते हैं। जो लिविंग सेल्स होती हैं वो यूनिक होती हैं अपनी एबिलिटी में, और वो अलाउ करती हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को टू प्रोसीड रैपिडली। देन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग सेल के बाहर भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत स्लोली प्रोसीड होती हैं वो। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रिंसिपल एजेंट होते हैं जो रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक सेल में, वो एंजाइम्स होते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिविंग सेल्स होती हैं वो एंजाइम को सिंथेसाइज करने का काम करती हैं, और ये एंजाइम स्पीड अप करते हैं थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल रिएक्शंस को, ताकि जो रेट है ऐसे रिएक्शंस का वो कंपैटिबल हो जाए बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ जो एसेंशियल होती हैं लिविंग सेल्स के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि एंजाइम्स फंक्शंस एट वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन भी मिलता है एंजाइम को तो वो अपना काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि एक ही एंजाइम कैटलाइज नहीं कर सकता सारी रिएक्शंस को, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं कैटलाइज करने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को जो सेल्स में होती हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के प्रोटीन नेचर की वजह से ये इजीली इनएक्टिवेट हो जाता है हीट से, स्ट्रॉन्ग एसिड से और बेसिस से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से और हैवी मेटल से एक्सेट्रा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया है कि एंजाइम का रोल कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। जो मैकेनिज्म था डाइजेशन और फर्मेंटेशन का, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा था, इसी में एंजाइम का रोल रिकॉग्नाइज किया गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट है, वॉन हेलमोन जो एक केमिस्ट थे, इन्होंने 17th सेंचुरी में सजेस्ट किया था कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है फूड मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकली थ्रू फर्मेंट्स। और फर्मेंट्स वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चेंज ला सकते हैं, उन्हें फर्मेंट्स कहा जाता है। देन इट वॉज कूनो ने 1878 में इंट्रोड्यूस किया था टर्म एंजाइम, एक कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए फ्रॉम द वर्ड फर्मेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सो एंड एंडो एंजाइम्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अर्ली टाइम्स में एंजाइम्स को फर्मेंट्स कहा जाता था, और ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फर्मेंट्स में। जो यीस्ट होता है वो इंक्लूड होता है इन ऑर्गेनाइज्ड फर्मेंट्स, जिसमें लिविंग सेल्स को कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल सेल्स। देन पेप्सिन जो होता है वो इंक्लूड होता है अनऑर्गेनाइज्ड फर्मेंट्स में, ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं होती। बाद में ये प्रूव किया बुचनर ने 1897 में कि एक एसेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फर्मेंट्स में, कि ग्राउंड यीस्ट जो होता है वो कॉज करता है शुगर का फर्मेंटेशन। एट प्रेजेंट जो एंजाइम्स नॉर्मली एक्ट करते हैं विद इन सेल उन्हें एंडो एंजाइम्स बोलते हैं, और जो एंजाइम नॉर्मली वर्क करते हैं आफ्टर दे हैव बीन सेक्रीटेड बाय द सेल्स उन्हें एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है द एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video. Thank you.